शांति। आज की तारीख है 21/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, हम सब आत्माओं पर करुणा बरसा के और हम बच्चों को दुआओं के पात्र बनाने वाले मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोले, मीठे बच्चे बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। प्रश्न दूसरा भी है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत बजा है दुआओं का ही, ले लो दुआएं माँ बाप की। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप को बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। नंबर 2, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है, रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है, तन मन धन से सेवा करनी है और सच्चे साहेब के साथ सच्चा रहना है। वरदान शिव सतगुरु का बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु बाबा। सतगुरु बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक होके ऐसे बैठे कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहें तब बोलते रहें, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसीलिए आपका एक एक बोल अनमोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।